नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडियन स्टडी के हिंदी यूट्यूब चैनल पर। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज की इस वीडियो में यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए एग्जाम्स के लिए उत्तर प्रदेश के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन का लेसन नंबर 2 है। इससे पहले मैं आपको फर्स्ट लेसन पहले ही प्रोवाइड करवा चुका हूँ। जिन बच्चों ने नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा, एक बार जरूर से चेक कर लीजिएगा। दोस्तों मैं अनएकेडमी पर ही पढ़ाता हूँ, तो अनएकेडमी पर मुझे फॉलो करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आपको अनएकेडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है और वहाँ जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और मेरे द्वारा अपलोड किए गए कोर्सेज का लाभ उठा सकते हैं बिल्कुल फ्री में। जो लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए एग्जाम्स की तैयारी बिल्कुल डिस्क्रिप्टेड तरीके से करना चाहते हैं तो मैं अनएकेडमी पर अपनी प्रोफाइल का लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा, तो एक बार जरूर से चेक कर लीजिएगा। और एक कोर्स का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, तो उसे जरूर से देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों फर्स्ट लेसन मैंने आपको कल ही प्रोवाइड करवा दिया था, जिसमें मैंने आपको बढ़ा दिया था कि उत्तर प्रदेश का राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा स्थान है, ठीक है। इसके बाद का जो आपका पॉइंट है कि उत्तर प्रदेश में कुल पारिस्थितिक क्षेत्र हैं आपके 20, उत्तर प्रदेश में कुल कृषि जलवायु क्षेत्र हैं आपके 9, उत्तर प्रदेश में देश में कुल कृषि जलवायु क्षेत्र हैं आपके 15, ठीक है। नेक्स्ट है आपका चना का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है, ये आपका बुंदेलखंड में होता है। आंवला का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, ये आपका प्रतापगढ़ में होता है। और अगर हम बात करें आम की, तो आम का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है आपका लखनऊ के मलियाबाद में। तो जिन बच्चों को लिखना है तो मलियाबाद लिख लीजिए, ठीक है। आलू को अन्य प्रदेश में बेचा जाता है ताज ब्रांड के नाम से। पान की खेती के लिए महोबा काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। किसान मित्र योजना उत्तर प्रदेश में कब लागू हुई, ये आपका 18 जून 2001 में लागू हुई। किसान भई योजना आपकी 1992 से लागू हुई। किसान वृद्धावस्था पेंशन योजना उत्तर प्रदेश में 2 अक्टूबर 2003 को लागू हुई। किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998 से 1999 के बीच शुरू हुई। आम अनुसंधान व प्रयोग केंद्र कहाँ पर है, इलाहाबाद में। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आम जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है वो मलियाबाद में पाया जाता है लखनऊ के, लेकिन आम अनुसंधान व प्रयोग केंद्र आपका इलाहाबाद में स्थित है। यहाँ पर आम की टेस्टिंग होती है। अब आप कंफ्यूज नहीं होना कि अभी आपने लखनऊ बताया, अभी हाल ही में आपको इलाहाबाद बता दिया। ये अनुसंधान केंद्र है वो आपका जहाँ पर उत्पादन होता है सबसे ज़्यादा वो बताया। व्यक्ति के पास भूमि की अधिकतम सीमा कितनी है, 18 एकड़। भारत की प्रथम चीनी मिल 1903 में उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के प्रतापपुर में खोली गई थी। उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण नगदी फसल है आपका गन्ना। सीमांत कृषक किसे कहते हैं, 1 हेक्टेयर से कम भूमि वाले किसान को सीमांत कृषक कहते हैं। भारतीय चारा का अनुसंधान संस्थान आपका झांसी में स्थित है, ठीक है। अब दोस्तों मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। कई बच्चे कह रहे हैं कि सर आप मैथ भी पढ़ाइए, तो मैं आपको मैथ भी पढ़ा दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन आप खुद समझ सकते हैं दोस्तों कि टाइम कम है। अगर मैं डिस्क्रिप्टेड वाइज मैथ पढ़ाने बैठूंगा आपको, तो आपका पेपर भी खत्म हो जाएगा और पूरी मैथ भी नहीं हो पाएगी। अगर आप चाहते हैं तो मैं डेली आपको एक मैथ की वीडियो प्रोवाइड करवा सकता हूं, वो भी ट्रिक्स है, ठीक है, जिससे आपको एग्जाम में काफी ज्यादा आसानी हो। अगर आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपको कल से ही मैथ की वीडियो प्रोवाइड करवाना शुरू कर दूंगा। भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय आपका पंतनगर में है। अवनालिका प्रदर्शन प्रभावित जिला आपका इटावा। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक प्रदूषित नदी आपकी यमुना, और अगर पूरे भारतवर्ष की बात करें सबसे प्रदूषित नदी तो वो है आपकी साबरमती। गंगा नदी भी आपकी उत्तर प्रदेश की प्रदूषित नदी है, लेकिन सबसे ज़्यादा कन्नौज से वाराणसी के बीच में ये प्रदूषित हो जाती है। गंगा उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से होकर गुजरती है, और उत्तर प्रदेश में हैं कितने जिले, 75 जिले हैं। 75 में से 28 जिलों में से होकर गंगा नदी बहती है, इसलिए ही गंगा नदी को उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नदी के नाम से जाना जाता है। माता टीला बांध आपका बेतवा नदी पर है। राजघाटा बांध आपका बेतवा नदी पर है। पारिक्षा बांध भी आपका बेतवा नदी पर है। बखीरा झील आपके संत कबीर नगर में है। फुलहर झील आपकी पीलीभीत में है। इसके बारे में हालांकि अभी एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मोती झील। तो मोती झील आपकी कानपुर में है। अब उत्तर प्रदेश का सिंचाई क्रम, इसे आप जरूर से बिल्कुल रट लीजिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा अगर सिंचाई होती है वो आपकी नलकूप से होती है। आपका क्वेश्चन इसी प्रकार से आता है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सिंचाई किस माध्यम से होती है, आपका उत्तर होगा नलकूप। अगर आपका पहला ऑप्शन नहीं पूछे तो दूसरा नहर से, तीसरा कुओं से, और बाद में आपका अन्य सोर्सेस से होती है, ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो आपकी सिंचाई होती है उत्तर प्रदेश में, आपका नलकूप से होती है। नदियों के तट पर सबसे बसे शहर,
मथुरा आपका यमुना नदी पर बसा हुआ है, ललितपुर आपका बेतवा नदी पर बसा हुआ है, अगर झांसी की भी बात आए तो झांसी भी आपका बेतवा नदी पर बसा हुआ है, कन्नौज ये आपका गंगा नदी पर बसा हुआ है, अयोध्या के बारे में पूछा भी गया था आप सभी जानते हैं, अयोध्या आपका सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है, जौनपुर आपका गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है, लखनऊ आपका गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। अगर आप PDF चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, निश्चित रूप से आपको वहाँ पर PDF बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करवाई जाती है, उसका 1 रुपया भी आपसे नहीं लिया जाता है। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है आपकी शारदा नहर, ये क्वेश्चंस भी आपका पूछा जा चुका है। गोकुल बैराज परियोजना आपका पेयजल परियोजना से संबंधित है, रानी लक्ष्मीबाई बांध आपका बेतवा नदी पर है, उत्तर प्रदेश में प्रथम वन नीति आपकी 1952 में आई थी, और उत्तर प्रदेश में दूसरी वन नीति आपकी 1998 में आई थी, और वन महोत्सव कब मनाया जाता है, ये आपका 1 से 7 जुलाई के बीच वन महोत्सव मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान ये आपका दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि कहाँ पर स्थित है, लखीमपुर खीरी में स्थित है। वन जीव विहार के बारे में पढ़ते हैं, चंद्रप्रभा वन जीव विहार ये आपका चंदौली में स्थित है, ये सबसे पहले वन जीव विहार है उत्तर प्रदेश का, सबसे पहला वन जीव विहार है उत्तर प्रदेश का चंद्रप्रभा, जो कि आपका चंदौली में स्थित है। महावीर स्वामी वन जीव विहार ये आपका उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन जीव विहार है, जो कि ललितपुर में स्थित है, और ललितपुर आपका यूरेनियम के लिए भी प्रसिद्ध है, आपको याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट है आपका कैमूर वन जीव विहार, तो अगर हम बात करें कैमूर वन जीव विहार की, आपका मिर्जापुर में स्थित है, हस्तिनापुर वन जीव विहार आपका मेरठ में स्थित है, और कछुआ वन जीव विहार आपका वाराणसी में स्थित है। पक्षी विहार की बात करें तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, नवाबगंज पक्षी विहार, तो नवाबगंज पक्षी विहार जो आपका उन्नाव सबसे पहला पक्षी विहार है, इसका नाम भी अभी बदल गया है, इसको नाम क्या, चलो आगे बताता हूँ मैं आपका कि इसका नाम क्या रखा गया है, अभी हाल ही में नया नाम रख दिया गया है नवाबगंज पक्षी विहार का, सबसे पहला पक्षी विहार है। लाख बहोसी पक्षी विहार आपका कन्नौज में स्थित है, सबसे बड़ा पक्षी विहार है। साड़ी पक्षी विहार आपका हरदोई में स्थित है। पार्वती ओरंगा पक्षी विहार आपका गोंडा में स्थित है। बखीर पक्षी विहार आपका संत कबीर नगर में स्थित है। सुरहताल पक्षी विहार आपका बलिया में स्थित है, कहाँ पर दोस्तों, बलिया में। नेक्स्ट है आपका बैंती पक्षी विहार, ये आपका प्रतापगढ़ में प्रसिद्ध है, और अभी हाल ही में मैंने आपको ऊपर की स्लाइड में पढ़ाया कि प्रतापपुर किसके लिए प्रसिद्ध है, ये आपका आंवले के लिए प्रसिद्ध है। भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार के नाम से भी जाना जाता है बैंती पक्षी विहार को। पटना पक्षी विहार आपका एटा में है, सबसे छोटा पक्षी विहार है, ठीक है। नवाबगंज पक्षी विहार का नाम अब शहीद चंद्रशेखर पक्षी विहार कर दिया गया, मैंने आपसे बोला था तो नवाबगंज पक्षी विहार का नाम बदल दिया गया, ये आपका लिखा है। उत्तर प्रदेश में कितने पक्षी विहार हैं, आपके 13 पक्षी विहार हैं। उत्तर प्रदेश का एकमात्र परमाणु विद्युत ऊर्जा केंद्र नरोरा बुलंदशहर में स्थित है। एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे जरूर से याद कर लीजिएगा कि उत्तर प्रदेश का एकमात्र परमाणु विद्युत ऊर्जा केंद्र कौन सा है, आपका उत्तर होगा नरोरा। नरोरा कहाँ पर स्थित है ये भी आपसे पूछ सकता है, तो आपका उत्तर होगा बुलंदशहर। उत्तर प्रदेश में 2 रेल जोन का मुख्यालय है, एक तो आपका इलाहाबाद जिसे NCR के नाम से भी जानते हैं, उत्तर मध्य रेलवे, दूसरा आपका गोरखपुर यानी कि पूर्वोत्तर रेलवे। उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान केंद्र आपका शाहजहाँपुर में स्थित है, और उत्तर प्रदेश गन्ना किसान संस्थान आपका या किसान संस्थान आपका लखनऊ में स्थित है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध हवाई अड्डे कौन कौन से हैं, चकेरी हवाई अड्डा आपका कानपुर में स्थित है, खेरिया हवाई अड्डा आपका आगरा में स्थित है, हिंडन हवाई अड्डा आपका गाजियाबाद में स्थित है, जेवर हवाई अड्डा आपका गौतम बुद्ध नगर में स्थित है, लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपका वाराणसी में स्थित है, चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय अड्डा आपका लखनऊ अमौसी में स्थित है, ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपका फिरोजाबाद में स्थित है, ठीक है, इस प्रकार से आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका उत्तर प्रदेश की जनजाति, ये आपका लास्ट स्लाइड है, इसके बारे में और पढ़ लीजिए। सहरिया जनजाति आपकी ललितपुर में स्थित है, बुक्सा और बोक्सा जनजाति आपकी बिजनौर में स्थित है। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति आपकी थारू, जो थारू जनजाति है ये दीपावली को शोक के रूप में, नीचे लिखा भी है कि ये लोग यानी कि थारी जनजाति वाले जो आपके लोग होते हैं ये दीपावली को शोक के रूप में मनाते हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश की सबसे छोटी जनजाति आपकी बंडरावत, और उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना आपकी लखनऊ 1989 में की गई थी। तो दोस्तों ये था आपका उत्तर प्रदेश के बारे में जितना भी स्ट्रक्चर था जो कि मैंने आपको पढ़ा दिया। अभी उत्तर प्रदेश से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आऊंगा। उत्तर प्रदेश की GK के मैं आपको संभवतः 4 या 5 पार्ट लेकर के आऊँगा, जिसमें आपको उत्तर प्रदेश के बारे में सब पढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।